हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल में जो 2 करोड़ का अमाउंट होता है, उस 2 करोड़ के लिए आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट करने हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, उस 2 तरीके से आपको अपनी सभी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन को रोटेट करने हैं। अब दोस्तों, पहले तरीके में तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन अपनी सभी टीम में एक ही रखते हो तो उसके लिए आपको किस तरह से टीम बनानी है, किस तरह से कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। और दूसरे तरीके में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे रोटेट करने हैं। और दोस्तों, ये जो दूसरा तरीका, इसमें ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, वो उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन रोटेट करने का सही तरीका ही नहीं पता। इसलिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा और इन्हीं 2 मेथड से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने, ताकि आपकी रैंक कम से कम यहाँ पर टॉप 3 में आ सके। क्योंकि आप 11 प्लेयर तो सेलेक्ट कर देते हो, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके गलत सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रैंड लीग मिस हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा और वीडियो को कम्प्लीट देखना, पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से रोटेट करने और प्लेयर को कैसे सेलेक्ट करने, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर जो आप गलतियाँ करते हो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्या क्या गलतियाँ करते हो, उस गलती को आपको कैसे सुधारना है। तो दोस्तों, अभी एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर एक टीम को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारी एक डेमो टीम है। अब आपको यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हो इस टीम में मेरा हार्दिक पांड्या कैप्टन है और वाइस कैप्टन राशिद खान है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपने पहले मेथड पर चलते हैं कि अगर आप एक कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, ये एक डेमो टीम है। अब इसमें आपको कैप्टन किसे बनाना है, हार्दिक पांड्या को। क्यों बनाना है, क्योंकि फर्स्ट डाउन बैटिंग करेगा प्लस अपने कोटे के 4 ओवर भी कराएगा। तो ऐसे प्लेयर पर आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको रिस्क लेना है तो बैट्समैन में लेना है इस तरह से। तो यहाँ से हमें कैप्टन सेफ मिल गया। अब वाइस कैप्टन आपको किसे बनाना है, जो टीम पहले फील्डिंग करे उसके आप वाइस कैप्टन बना सकते हो सभी टीम में, जैसे राशिद खान। इसके अलावा मान लीजिए जो टीम पहले फील्डिंग करती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद यहाँ से फील्डिंग करती है, तो आप इसके इसको आप या तो कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बना सकते हो। उसके बाद दूसरी तरफ आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बना सकते हो, जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके जो स्पिनर होते हैं या फिर जो मिडिल में बॉलिंग करते हैं, जैसे राशिद खान, लोकी फर्गूसन, इनको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। अब आपको जितनी भी टीम बनानी है उन सभी टीम में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन इस तरह से रोटेट करनी है। जैसे अपनी 11 टीम में आप इसको वाइस कैप्टन बनाया बाकी की, और कैप्टन इसको बनाइए, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। अब दोस्तों, आपको सभी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन एक रखने का क्या क्या बेनिफिट है। एक तो आपका कॉम्बिनेशन सही होगा, अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन ज़्यादा पॉइंट दे जाएंगे तो आप यहाँ से 1-2 प्लेयर को रोटेट करके अपने कॉम्बिनेशन बनाइए, प्लस आपका कंपटीशन भी कम होगा। और दूसरा, क्योंकि ये जो प्लेयर होते हैं ये कम से कम 1 से 2 विकेट जरूर लेते हैं, अगर ये यहाँ पर अगर विकेट लेते हैं तो कम से कम आपकी एंट्री फीस जरूर आ जाएगी। अगर ये ड्रीम 11 के कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाते हैं तब आपके जीतने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाओगे तो आपके साथ साथ बाकी की टीम भी रैंक करेगी। तो इसके लिए अगर आप एक कैप्टन और वाइस कैप्टन अपनी सभी टीम में कॉमन रखते हैं तो ये एक बेस्ट तरीका है। जो फील्डिंग करे उसके डेथ में जो बॉलिंग करे उसको वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाना, और जो बैटिंग करे उसके जो मिडिल में बॉलिंग करता उसको कैप्टन बनाना। क्योंकि मिडिल में जो बॉलिंग करेगा उसके विकेट लेने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि ओपोनेंट टीम के टीम को चेज करना होता है और वो इस प्रेशर में विकेट दे जाती है। तो ये एक पहला मेथड है, इस मेथड से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइए। अब हम दूसरे मेथड के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो पहला मेथड था, इस मेथड को बहुत कम लोग यूज करते हैं, और इस मेथड से आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो और कम से कम आपकी एंट्री फीस जरूर वापस आ जाएगी। अब दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरे मेथड में आप क्या गलतियां करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कैप्टन तो अच्छा बना लिया, फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या। अब इसमें आप चाहो तो इसको वाइस कैप्टन बना सकते हो ताकि आपका कंपटीशन कम हो। तो यहाँ से आप इसको वाइस कैप्टन बना के कैप्टन रोटेट कर सकते हो। अब
कैप्टन और वाइस कैप्टन आपने बनाए, अब आप गलतियां क्या करते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन को रोटेट करने में, और 99% लोग यही गलतियां करते हैं। जैसे वो प्लेयर को सिलेक्शन करने में गलतियां करते हैं, ठीक वैसे ही वो कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन में गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं, जैसे एक टीम में हार्दिक पांड्या को कैप्टन और राशिद खान को कैप्टन बनाए, दूसरी में नटराजन को कैप्टन बना दिया, विलियमसन को वाइस कैप्टन, तीसरी में हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बना दिया तो राशिद खान को वाइस कैप्टन। तो इस तरह से आप कभी भी ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल तरीका गलत है ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन रोटेट करने का। कैप्टन और वाइस कैप्टन रोटेट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है, आप या तो कैप्टन एक रखो या फिर वाइस कैप्टन। जैसे हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन, तो एक टीम में राशिद खान को कैप्टन बनाए, दूसरी में नटराजन को, तीसरी में विलियमसन को, चौथी में लॉकी फर्गूसन को, इस तरह से आपको कैप्टन बनाना है। तो ये बेस्ट तरीका है। फॉर एग्जाम्पल आपने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन आप रोटेट करते जाइए, लॉकी फर्गूसन, राशिद खान, नटराजन, केन विलियमसन, इस तरह से आपको रोटेट करनी है। उसके बाद आप राशिद खान को वाइस कैप्टन बनाइए बाकी की टीम में, उसके बाद फिर से कैप्टन इस तरह से रोटेट करते जाइए, इस तरह से नटराजन, या फिर आप कैप्टन एक रखिए वाइस कैप्टन इस तरह से रोटेट करते जाइए। तो ये बेस्ट तरीका कैप्टन वाइस कैप्टनसी रोटेट करने का। अगर आप इस तरह से कैप्टन बनाओगे, हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया एक टीम में, दूसरी में अभिषेक शर्मा, और तीसरी टीम में विलियमसन पूरन को बना दिया, चौथी टीम में नटराजन और लॉकी फर्गूसन को बना दिया, तो इस तरह से तो आप कभी भी ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाओगे और आपकी सभी टीम का हलवा बन जाएगा। इसलिए आप ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना, और 99% लोग यही गलतियां करते हैं। इसलिए आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन में आप हमेशा इन बातों का ध्यान रखना। और दोस्तों ग्रैंड लीग आप ड्रीम 11 पर खेलिए, लेकिन स्मॉल लीग आप विजन 11 पर खेलिए, क्योंकि यहाँ पर एंट्री फीस काफ़ी कम है। जैसे कि आप देख सकते हो, यही एंट्री अगर आप ड्रीम 11 पर देखोगे तो 299 में ये एंट्री मिलेगी, जिसमें आपको फर्स्ट प्राइज 1000 मिलेगा। इसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप डाउनलोड कीजिए और हमारे रेफर कोड से आप विजन 11 को ज्वाइन कीजिए, आपको 300 रुपये का कैश बोनस भी मिलेगा। और दोस्तों ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन को रोटेट करने के लिए। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और हमारे नाम के काफ़ी सारे फेक चैनल हैं जो कि पेड टीम के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, इसलिए आप फ्री चैनल को ज्वाइन करना। और जब भी आप चैनल को ज्वाइन करो तो इस लिंक को ज़रूर देख लेना, क्योंकि ओरिजिनल चैनल की यही एकमात्र पहचान होती है और इस लिंक को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, ये लिंक सभी का अलग होता है, इसलिए आप इस लिंक को ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।